आदि आदि पानी लेके आना। आदि 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 फोन कर। पानी लाना, इधर बैठो। हाँ, अभी ठीक हो जाएगा। अभी ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। पानी लेके आना जल्दी। पानी लाओ जल्दी। शीघ्र आओ। बोला। वो देना। इश्ता, इश्ता एक मिनट। एक मिनट इश्ता। मंसिक मंसिक। बस बस अभी ठीक हो जाएगा इश्ता, कुछ नहीं होगा। आदि कॉल द डॉक्टर फास्ट। पापा डॉक्टर आ रहे हैं। बस 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 पानी पी। पानी पानी पानी। अब रमन की लाइफ में मेरी कोई जगह नहीं, उसे मेरी कोई जरूरत नहीं। देखिए मैं कल मीटिंग के लिए नहीं आ पाऊंगा। देखिए आप फिक्र मत कीजिए, आपको प्रपोजल समझाने के लिए कोई ना कोई होगा वहाँ। और अगर फिर भी आपको कोई क्वेरीज है तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। आई विल नॉट बी एबल टू बी देयर इन पर्सन, लेकिन फोन पे मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा। हाँ पुत्र, बहुत दर्द हो रहा है, अब भी जल रही है तेरी आंखें। नहीं अभी ठीक है मम्मी जी, आप जाइए ना, आप जाके रेस्ट कीजिए। हाँ पुत्र, पहले मैं जरा गुलाब जल डालूं तेरी आंखों में। डॉक्टर ने बोला था ना, गुलाब वाले पानी से तेरी आंखों की जलन कम होगी। मुझे मैं कर लूंगी, आप जाओ ना प्लीज। रमन पुत्र, इशिता की आंखों में गुलाब जल डालना है। पुत्र जरा तू कर देगा? मैं कर लूंगी मम्मी जी, प्लीज आप जाओ। अच्छा आराम आएगा पुत्र। रमन चंगी तरह कर लेगा ना, देख ये रुई इसमें डाल डाल के ना गुलाब जल में, इसकी आंखों पे रखना है। एक काम करो, तुम थोड़ा सा आराम से लेट जाओ, अब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आराम से लेट जाओ, ये मेरे पास है, तुम लेट जाओ, मैं करता हूँ, लेट जाओ। लेट जाओ, चलो जी। Good morning, Alia.
आ, ये क्या है? स्पेशल मेदू वड़ा फ्रॉम आलिया'स किचन। लुक्स ग्रेट। सिट 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 सिट। हैव इट। ओके। चीयर्स। कैसा है? आलिया, मैंने आज तक ऐसा मेदू वड़ा नहीं खाया। प्लीज अप्पा, आई नो थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, फर्स्ट टाइम बनाया तो नमक ज्यादा पड़ गया, पर देखो ना, पिछले एक हफ्ते से आपको सिर्फ डोसा बना के खिला रही हूँ और इडली तो मुझसे बनती नहीं है, तो मैंने सोचा कुछ नया करती हूँ। इट्स ओके आलिया। अच्छा ये बताओ, ऑस्ट्रेलिया में आज तक तुमने कभी कुकिंग की? नहीं। तो फिर अचानक से तुम्हें कुकिंग कैसे आ जाएगी? हाँ मैं जानता हूँ कि तुम बहुत कोशिश कर रही हो, लेकिन तुमसे नहीं हो पा रहा। इट्स ओके आलिया। अच्छा मेरे पास एक और आइडिया है कि हम एक कुक रख लेते हैं। व्हाट्स इट? आलिया देखो, रोज रोज इतना खाना वेस्ट करना ठीक तो नहीं है। अच्छा तो आज का मेन्यू होगा ड्राई फ्रूट्स विद कॉर्नफ्लेक्स। मैं लेके आता हूँ, यहीं रखो तुम। मुझे साउथ इंडियन खाना बनाना सीखना होगा। किससे और कैसे? अम्मा होती तो कितना अच्छा होता, सब कुछ कितना इजी होता। वो तो खुद परेशान है, क्या करूं? आदि को पूछती हूँ, क्योंकि आदि के पास तो हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। मैं श्रवण की टीचर, मिस एल्मेडा। कौन है विश्वा? यार है? हाय, मैं श्रवण की टीचर हूँ। ये टीचर है तुम्हारी? हाँ पार्टी, ये हमारी टीचर है, हमें फ्रेंच पढ़ाती है। अब पार्टी पर क्यों आई यहाँ पे? कुछ नहीं, क्या मस्ती गलती? कुछ नहीं। अरे नो नो श्रवण, मैं यहाँ पे तुम्हारी कोई कंप्लेंट करने नहीं आई हूँ, मैं तो तुम्हारे डैडी से मिलने आई हूँ। वो है घर पे? टीचर बेटे, मैं अभी अम्मा को बुलाता हूँ। नो नो श्रवण, मुझे मिस्टर बाला से मिलना है। ओके ओके ओके, आप बैठिए, मैं बाला को बुलाता हूँ। श्रवण तुम तैयार हो ना, स्कूल ही जाना क्या? जाओ जाओ, चलो तैयार हो। बाय 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 एवरीवन। ये लीजिए, बाला आ गया। ये बाला आ गया। आप क्या? हेलो मिस्टर बाला, हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड, एब्सोल्युटली फाइन। एक्चुअली मैं आपको थैंक यू बोलने आई हूँ। उस दिन जो आपने गेस्ट लेक्चर दिया था ना, स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आया। इनफैक्ट वो तो बोल रहे थे कि आप मैथ जैसे बोरिंग सब्जेक्ट को भी इतना इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं? आई मीन हाउ, सो अमेजिंग। थैंक यू सो मच। लेकिन आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? आप मुझे कह देती और मुझे वैसे भी मैसेज मिल गया था आपका। थैंक्स बोलने तो मुझे आना ही था, क्योंकि आपने जो इतना अच्छा गेस्ट लेक्चर दिया, मैं क्या प्लान कर रही हूँ, हम एक और लेक्चर रखते हैं आपका, तो इसी बहाने मुझे भी मिलने का मौका मिल जाएगा। या या श्योर, आई विल कम। आप खड़ी क्यों हैं? आइए प्लीज बैठिए ना, प्लीज। ऐसा करते हैं ना, मैं स्टूडेंट्स को आपके पास ही लेकर आ जाती हूँ। ये तो शव की फ्रेंच टीचर है, यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये बाला का हाथ क्यों पकड़ रखा है इसने? मुझे क्लासेस के लिए लेट हो रहा है, आई नीड टू लीव। ऑल राइट, यस टू लीव। उप्स, आई एम सॉरी। ओके थैंक्स। मिस अल्मेदा, How are you? Great, great. Please come and sit. I'm Amma, fine. कुछ coffee or snacks, please. हाँ. Come. Sure. बंदे तुम लोग बैठो, मैं आता हूँ. हाँ अप्पा. So Miss Almeida, tell me, प्रभु की French classes कैसी चल रही हैं? वो सब तो ठीक है, पर मुझे आपसे कहना था, आपके husband, Mr. Balachandran. Oh my God, उन्हें देख के लगता ही नहीं है कि वो श्रवण के पापा होंगे। He's so young, so handsome. I mean, you are so lucky to have him. In fact, लगता है कि आपसे शायद काफी छोटे हैं वो, right? Excuse me? जी नहीं, वो मुझसे उम्र में छोटे नहीं है। आपको लगता है कि वो मुझसे उम्र में छोटे हैं? Are you serious? I think so, मुझे चलना चाहिए। I think so too. Okay then. Bye bye. Bye.
टीचर किधर गई? जहन्नुम में। नहीं, मैं अभी भी घर आया हूँ, अरुण भाई से मिलकर बात करता हूँ। मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो मेरे पुत्र आजा आजा नाश्ता कर ले। नहीं नहीं मम्मी जी, रमन भाई से बड़ा जरूरी काम है, I have to meet him। अच्छा तो बैठ तो सही। नीलू जा जा कर रमन को बोल के मीर आए। अरे मम्मी जी, इशिता भाभी का क्या हाल चाल है, उनकी आंखें ठीक है? हाँ पुत्र, शुक्र है माता रानी का, उनते वो बिल्कुल ठीक है। हाँ मेहर पुत्र, कल जो तूने किया ना उसके लिए मैं तेरा बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगी। तूने मेरे बच्चों को मुसीबत से बचाया, माता रानी तेनु मुसीबत से बचाए। अरे मम्मी जी, इसकी जगह कोई भी होता वो भी तो यही करता ना। वो कोई और होता ना तो या तो डर के मारे भाग जाता या कोई गलती कर बैठता, पर मेहर इतना होशियार है। एक पासे तो इसने रमन और इशिता की जान बचाई, दूजे पासे वो गुंडों को पकड़ाने में भी हेल्प कराई इसने। बहुत बड़ी गल है ये। हाँ भाई, हमारा मिहिर है ही ऐसा। जिस लड़की से भी मिहिर की शादी होगी ना, देखना वो बड़ी लकी होगी। क्यों? ओए हाँ, मैंने एक गल याद आई। मिहिर, मैंने सुना है तेरे वो कुड़ी मिल गई। सच तोशी जी, क्या कह रहे हो आप? हाँ भल्ला जी, वो नागपाल है ना, अनिल नागपाल, उसकी बहन का रिश्ता आया इसके लिए। पापा जी, एक्चुअली एक मुझे बड़ा जरूरी फोन कॉल आ रहा है, मैं एक मिनट आया। शगुन, कब जा रहा है मेरे उस कुड़ी से मिलने? हाँ मैं रमन भाई के आई। अच्छा ठीक है, मैं ऑफिस पहुंचता हूँ, तुम सारा पेपर वर्क रेडी करो। ऑलराइट, आई विल सी यू देयर। इसे खुश होने का कितना नाटक करते ना सारे, एक से बढ़कर एक एक्टर हमारे घर में। सबको ये गलत फहमी है कि लड़की बहुत ही ज्यादा लकी है जिससे तुम्हारी शादी हो रही है, और भाई का तो कहना है कि तुम्हारा दिल टूटा है। पर सही मैं बताऊं, मुझे लगता है कि तुम्हारा दिल टूटा है तो तुम्हारी अपनी ही गलतियों की वजह से। कहना कि तुम्हें रिश्ते निभाने नहीं आते मेरे। एनीवेज वो क्या है ना कि ये सब रिश्ते ना सबके बस की बात नहीं होती, जिगरा चाहिए उसके लिए, संभालने आने चाहिए रिश्ते। मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कर पाओगे कभी मीर, एंड मुझे तो बस दया आ रही है उस पर जिसे तुम्हारी शादी हो रही है, दुल्हन। लकी रियली, यू नो व्हाट रोमन, तू बिल्कुल सही कह रहा, मुझे भी दया आ रही है उस लड़की पे जो मुझसे शादी करेगी। आई मीन मैं इतना बोरिंग इंसान हूँ, मेरे साथ कौन सी लड़की खुश रहेगी? मेरी जिंदगी में तो काम के अलावा कुछ नहीं है, मैं क्या उसे खुश रहा? काम से याद आया नीलू, रमन भाई का? मैंने ना कई बार दरवाजा नॉक किया पर भैया ने नहीं खोला, शायद वो सो रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं उनसे फोन पे बात कर लूंगा। और गो, दिस इज एन इंपॉर्टेंट मीटिंग, बट रोमी थैंक यू सो मच फॉर द एडवाइस, आई कीप इट इन माइंड। रोमी चाचू मीर मामू से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? पर मामू ने कुछ भी नहीं कहा। चाचू को मामू से ऐसे नहीं बात करनी चाहिए थी। This is very bad. ठीक
कर रही हो यार? अरे रमन अच्छे से लेट जाओ, अच्छे से सो जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? कहाँ गर्दन कर गई है यार? गर्दन कहाँ दर्द है? दिखाओ कहाँ दर्द है। गर्दन गर्दन कहाँ होती है आदमी की? दर्द मतलब तो प्लीज तुम कुछ मत करो, तुम्हारे चक्कर में सब हुआ यार। तो मैंने क्या किया रमन, दिखाओ ना। अरे प्लीज यार तुम। अम्मा रमन भाई इश्ता को उठाना नहीं है क्या? इतनी लेट होगा, अब तक सो ही रहे हैं। वो चंगा है ना, कल इतना बड़ा महाभारत होया है, थक गए होंगे बेचारे। सोने दे सोने दे। अच्छा वो सब तो ठीक है, ये बताओ कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट कैसी है? कुछ छुपा रहे हो मुझसे? बताओ ना क्या बात है, बताओ ना प्लीज। तेनू चैन नहीं आता, हर गल जाननी जरूरी होती है तेनू, बताओ ना प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा चल सुन, बड़े मजे की गल है। पता की होया, जब मैं सवेरे गई ना उन दोनों को उठाने के लिए, तो वो दोनों ना एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे, बिल्कुल बच्चों की तरह। मैंने इतना प्यार आया ना, मेरा दिल ही नहीं किया उनको उठाने का। बड़ा प्यार है उन दोनों के दरमियान। आय हाय माता रानी, बस उनका प्यार ऐसे ही बना रहे। How cute. This is too much. मुझे किसी भी तरह रमन से बात करनी होगी। पापा और अर्षिता, क्या वो दोनों वापस एक साथ आ जाएंगे? क्या वो फिर से एक हो जाएंगे? अरे पागल है क्या यार? ऐसा रमन की आवाज है। चलो चलो देखते हैं। हॉर्न क्यों हो गया? मम्मा चलो देखते हैं क्या हो गया। हे माता रानी। रमन मैं कह रही हूँ, अच्छा आप तो पूरा मूव कर सकते हो ना, मैं दबाती हूँ। अरे पागल है क्या यार? यार तू प्लीज एक काम करो, मेरी गर्दन टेढ़ी ठीक है, कहाँ हो तुम? आगे आओ ना बात कर। अरे यार तू आओ। की तो वैसे भी। अरे चुप कर यार, तेरे चक्कर में हुआ जो हुआ है। मैंने क्या किया रमन? रात को आप ही तो स्टिफ हो गई गर्दन, ये हिल नहीं रही है। क्यों है पुत्र? नहीं जी, वो रमन की गर्दन एकदम टेढ़ी हो गई है, हिल नहीं पा रही है, स्पैज़म है शायद रात को, आई डोंट नो। कोई बात नहीं यार इशिता, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि रात भर क्या हुआ होगा। जूता खींच के मानू असमी, जैसा तू सोचती है वैसा कुछ नहीं हुआ। वो तो इसकी आंखों में वो गुलाब जल डाल रहा था और वहीं सो गया मैं। अब मुझ पे गंगा जल छिड़कने की बारी आ गई है। तू डॉक्टर को फोन लगाना, खड़ी खड़ी दांत क्या दिखा रही बेवकूफ। अब मैं बुलाती हूँ डॉक्टर को। ये आप लोगों को हो क्या रहा है? कल आपकी बीवी की हालत खराब थी और आज आपकी हालत खराब हो गई है। वैसे हुआ क्या था? कोई गलत पोजीशन में सो गया था मैं, इसलिए। आपको केयरफुल होना चाहिए ना मिस्टर बल्ला, इस उम्र में भी आप पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। क्या? अरे मिस्टर बल्ला, आदमी को एज के हिसाब से बॉडी के मूवमेंट्स चेंज करने चाहिए। आप कोई गबरू जवान तो है नहीं कि कुछ भी करेंगे तो चलेगा। आगे से अपने मूवमेंट्स पे कंट्रोल रखिएगा तो ये प्रॉब्लम्स आपको दोबारा नहीं होगी। अरे आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे कि गर्दन अकड़ जाए। इनकी आंखों में गुलाब जल डाल रहा था और डालते डालते सो गया तो गर्दन अकड़ गई, क्योंकि पोजीशन ऐसी थी। आप क्या आप लोग? हाँ मैं समझ गया, और मैं भी आपको यही समझा रहा हूँ कि अब आप जवान नहीं है कि रात भर सिटिंग पोजीशन में सो गए और सुबह वापस वही फ्रेश। अरे आपके पास ये किंग साइज का बेड है ना, इसका पूरा इस्तेमाल किया कीजिए। बीवी के पास सिर रख कर सोने की जरूरत नहीं है आपको, एंड आई एम श्योर आपकी बीवी आपको बेड पे सोने की परमिशन दे देगी। मैं कुछ पेन किलर्स लिख देता हूँ, इन्हें ले लीजिएगा और स्प्रे बार बार करते रहिएगा। नथिंग टू वरी। थैंक यू। क्या आप लोग जाने का क्या लेंगे? जाइए ना यहाँ से यार। चलो मम्मा। भाई बोल। आप तो बूढ़े हो गए हो, अब तो आप कुछ कर नहीं सकते, तो मैं अभी जवान हूँ, कोई काम होगा तो मुझे बता देना। जरूरत। चप्पल कहाँ है मेरी? अरे क्या चप्पल ढूंढ रहे हो, देख भी नहीं पाओगे, गर्दन जो अटक गई है आपकी। कुछ दे ना फिर। Oh,
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।